हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिडन ट्रेजर रुचिका दिस साइड। और अगर ये पिज़्ज़ा देखकर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है और आपको पिज़्ज़ा बेक करने का मन कर रहा है, सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो इस तरह का पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, दैट मींस पिज़्ज़ा बेस बनाने से। और पिज़्ज़ा बेस के लिए हमें सबसे पहले ईस्ट को फर्मेंट करना होगा। बेसिकली ये एक ब्रेड मेकिंग प्रोसेस है, तो उसके लिए ईस्ट फर्मेंटेड चाहिए होगा और उसके लिए हमें एक ल्यूक वार्म वाटर चाहिए होगा। ल्यूक वार्म वाटर मतलब जितना गर्म पानी बस हम बच्चे को पीने, छोटे बच्चे को पीने के लिए देते हैं उतना गर्म पानी। ये पानी अभी ज़्यादा गर्म है, मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करके उसको एक राइट टेम्परेचर पे लेके आऊँगी। और अब ये पानी मैं कम कर दूँगी, ये अराउंड आधा कप पानी अब मैंने लिया है और अब इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। मैंने ये आधा स्पून ईस्ट का लिया है ब्रेड फर्मेंटेशन के लिए, पिज़्ज़ा बेस के फर्मेंटेशन के लिए। एंड ईस्ट जितना अच्छा होगा ऑफ़ कोर्स ब्रेड उतनी अच्छी फर्मेंट होगी, बट इट इज़ नॉट कि आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड का ईस्ट ही चाहिए। आप मार्केट से कोई भी फ्रेश ईस्ट ले सकते हो। ये पड़ा हुआ ख़राब हो जाता है ईस्ट, अगर आप इसको कोई पुराना यूज़ कर रहे हो सकता है वो इतना अच्छा फर्मेंट ना हो। और दूसरी चीज़ कि इसकी क्वांटिटी का मेजरमेंट ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर ब्रेड में ईस्ट ज़्यादा हो जाता है तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है बेस में से ईस्ट की, ज़्यादा ईस्ट भी नहीं ठीक होता। और ऑफ़ कोर्स अगर कम होगा तो फर्मेंट अच्छे से नहीं होगी, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी का हमें चेक ज़रूर रखना होता है। ये मैं आधा स्पून शुगर का डाल रही हूँ, ब्राउन शुगर। ये देसी खांड है बेसिकली, मैं घर में यही यूज़ करती हूँ तो मेरे पास यही थी। अगर आपके पास वाइट शुगर है तो आप वो भी डाल सकते हो, विच एवर यू लाइक और यू प्रेफर। और शुगर डिज़ोल्व हो जाए तो अब आप इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा। 10 मिनट में आपका ये ईस्ट अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, तो मैं अब इसको ढक के रख दूँगी। और ये देखिए, आफ्टर 10 मिनट्स मेरा ईस्ट बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। ये बेसिकली राइज अप हो जाता है ईस्ट और इसमें ऊपर बबल्स आ जाते हैं। ये देखिए, इसमें कितना अच्छा सा झाग ऊपर आया हुआ है। इसके बाद अब ये बेकिंग के लिए, डो मेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग माय डो, पिज़्ज़ा बेस डो विद दिस। और मैं ये दो मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ास बना रही हूँ और उसके लिए मैंने ये 1.5 कटोरी मैदा लिया है। और ईस्ट की क्वांटिटी आपने स्टार्टिंग में देख ही ली थी, तो बेसिकली इस इतनी क्वांटिटी में दो मीडियम साइज़ पिज़्ज़ास आपके आराम से बन सकते हैं। ये जो कप मैंने मेजरमेंट के लिए लिया है ये बड़े साइज़ का है, तो आप अपने मेजरमेंट्स अकॉर्डिंगली लीजिएगा। और अब इसमें मैं थोड़ा सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट डालूंगी और फिर उसके बाद अराउंड 1 चम्मच मिल्क पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर हेल्प करता है बेस को सॉफ्ट बनाने में, उसमें ग्लूटेन बहुत अच्छा डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ मिल्क पाउडर। और जो एक गोल्डन सा कलर अराउंड द क्रस्ट आता है वो भी मिल्क पाउडर की वजह से आता है। सो मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड करिएगा। आप बिना मिल्क पाउडर के भी डो बना सकते हो, अगर आपके घर में उस टाइम इंस्टेंटली नहीं है तो आप बिना उसके बना सकते हो, बट फिर वो थोड़ी सी सॉफ्टनेस उसमें कम रहेगी डो में, बेस में। ये मैंने ईस्ट अब इसमें अपना ऐड कर दिया है डो में, फर्मेंटेड ईस्ट, और अब हम इसका डो बनाना स्टार्ट करेंगे। ये डो आप किसी डो मेकिंग मशीन से भी बना सकते हो, उससे थोड़ा जल्दी भी बनता है और आसानी से भी बन जाता है। और बस उसका जब वो डो बन जाएगा तो उसको स्ट्रेच हमें हाथ से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैदे को स्ट्रेच करना, उसको स्मूथ करना ज़रूरी होता है।
पानी की क्वांटिटी का चेक ज़रूर रखिएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो गया तो मैदा बहुत इलास्टिक हो जाएगा और फर्मेंट होने के बाद वो और ज़्यादा इलास्टिक हो जाता है और ज़्यादा ढीला हो जाता है। तो इसलिए पानी थोड़ा धीरे धीरे करके ही डालिएगा। ये हमें डो बिल्कुल जो हमारा नॉर्मल कोई रोटी का आटा होता है उसी तरह से गूंद के रखना है, ना ये बहुत ज़्यादा ढीला होगा और ना बहुत ज़्यादा टाइट होगा। और ये मैंने बीच में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया था, ये मैंने हैंड में ही ऑयल लिया था, इससे अगर आप हाथ में सीधे तेल लोगे तो आपके हाथ में जो मैदा भी चिपका हुआ है वो भी एकदम से साथ के साथ छूट जाएगा। ये मैदा अभी पूरा इकट्ठा हो गया है, बट ये डो अभी बहुत टाइट है, इसको हमें थोड़ा सा पानी और डाल के लूज करना पड़ेगा। बस एक बार और इसमें पानी जाएगा, बस बिल्कुल, देखिए इतना सा पानी मैंने इसमें डाला है। ये हमारा डो गुन तो गया है बट अभी इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, तो हमें इसको थोड़ा सा और अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लूँगी और ये चकला ले लूँगी, क्योंकि मैदे को स्ट्रेच करना पड़ता है गूंदने के लिए। तो ये मैंने चकले पे भी थोड़ा सा ऑयल लगाया है ताकि ये इस पे चिपके ना, और थोड़ा सा ऑयल मैंने अपने हाथों पे लगाया है। और अब हम इसको स्ट्रेच करना स्टार्ट करेंगे। वैसे ये चीज़ आप नीचे इस पे भी कर सकते हो, शेल्फ पे भी कर सकते हो, बट मेरे को इसको यूज़ करना इतना नहीं कंफर्टेबल होता है, तो मैं इसलिए इसको चकले पे कर रही हूँ। जब आप डो स्ट्रेच करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि आपका डो धीरे धीरे स्मूथ हो रहा है। पर्टिकुलर मोशन में आप इसको स्ट्रेच करिएगा ऐसे, ये हाथ की हथेली से उसको प्रेस करते हुए, और फिर वापस रोल बैक, स्ट्रेच एंड रोल बैक। ये देखिए, ये आटा मेरा बिल्कुल भी हाथ में चिपक नहीं रहा है, वरना मैदा बहुत ज़्यादा हाथों में लगता है, बट क्योंकि इसमें ग्लूटेन एक अच्छे लेवल पे डेवलप हो गया है, तो अब वो उस बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है। ये अब आटा मेरा अच्छे से चिकना हो गया है, अब मैं इसको फर्मेंट होने के लिए अराउंड आधे से 1 घंटे के लिए रख दूंगी। ये मेरा डो अब रेडी हो गया है, ये देखिए ये वापस आ रहा है ऊपर, अगर आप देख सकते हो तो, अब मीन्स ये निशानी होती है कि ये अब इसमें ग्लूटेन आ गया है अच्छे से। अब मैं इसको फर्मेंट होने के लिए रख दूंगी। हम इसको फर्मेंट के होने के लिए आधे से 1 घंटे के लिए रख देंगे। नीचे बाउल में तेल अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि ये फर्मेंट होके राइज अप होता है तो साइडों में, वरना चिपकेगा। तो इसी बाउल में अब मैंने ये अच्छे से इसमें ऑयल लगा लिया है, थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर भी लगाएंगे, और ये मैंने इसके ऊपर इसको ढक के कपड़े से मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारा पिज़्ज़ा का डो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। इसमें हम एक बार पहले पंच करेंगे और फिर हम इसको अंदर को टक करते हुए, और फिर ऐसे इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, और इसको अब मैं पहले बेलना स्टार्ट करूंगी। मैं ये आटा वाली परात ले लूंगी और इसमें नीचे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट करेंगे, थोड़ा कॉर्नफ्लोर मतलब मक्की का आटा, मक्की का आटा लेंगे। सा रोलर पिन का हेल्प लेंगे इसको स्ट्रेच करने के लिए। और अब मैं इसको फिर से ही हाथों के उससे ही दोबारा स्ट्रेच करूंगी, और ये बेस अब अच्छे से स्ट्रेच हो गया है। अब इसमें मैं फोक से, और ये इसको, ये जो केक टिन है इसमें ले लूंगी। अब इसमें पहले हम बटर लगाएंगे, नीचे अच्छे से एक लेयर दे देंगे। बटर से
आपका जो वेजीज का और सॉस का पानी है वो निकलेगा, तो आपका बेस सॉगी नहीं होगा, क्योंकि बटर उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन दे देगा। ये पिज़्ज़ा टॉपिंग मैंने स्प्रेड करी है, अब बहुत हल्की पिज़्ज़ा टॉपिंग रखिएगा। कई बार हम ज़्यादा टॉपिंग लगा देते हैं और उसका बहुत ज़्यादा सॉल्टी फ्लेवर हो जाता है। ये अमूल चीज़, ये चीज़ स्लाइस है, इसको मैं पहले नीचे डालती हूँ। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है, इसके ऊपर आप वेजीज डालेंगे, ये मेल्ट होगा तो ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है पिज़्ज़ा में। अराउंड 2 चीज़ स्लाइसेस मैंने उसमें डाले थे। जिसमें मैंने 2-3 ये ऐसे अनियन के रिंग्स डाले हैं, थोड़े से चेरी टोमेटोस, थोड़ा सा ये ग्रीन, रेड, येलो कैप्सिकम, ये मशरूम है, ये थोड़े से, ये बेबी कॉर्न्स डाल रहे हैं बीच में से आधे आधे स्लाइस करके। टॉपिंग्स आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो, इसमें लोग ब्रोकली भी डालते हैं। ये थोड़ी सी हेलपिनोज हैं और ये ऑलिव्स, और इसके ऊपर ढेर सारा चीज़। ये थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग है जो मैं ऊपर से डालूंगी, और ये बहुत हल्की सी ब्लैक पेपर, नमक। मैं सॉल्ट अपने पिज़्ज़ा में नहीं डालती हूँ, क्योंकि टॉपिंग में भी सॉल्ट होता है और चीज़ में भी सॉल्ट होता है। अगर ज़रूरत होती है तो फिर ऊपर से डाल सकते हैं। और पिज़्ज़ा अब ये बेकिंग के लिए तैयार है। अवन मैंने प्री हीटिंग के लिए ऑलरेडी रख दिया था अराउंड 250 डिग्री पे, जो हाईएस्ट टेम्परेचर था मेरे अवन का, मैंने उस पे उसको प्री हीटिंग के लिए रखा था। और ये पिज़्ज़ा मैं अब अवन के अंदर स्लाइड इन कर दूंगी। और इसका जो टेम्परेचर सेट है वो मैंने अपना जो अवन का हाईएस्ट टेम्परेचर था उस पे रखा है, और ऊपर नीचे की दोनों रॉड्स ऑन करी हैं और कन्वेक्शन मोड भी ऑन है। आपके भी अवन का जो हाईएस्ट टेम्परेचर हो आप उस पे इसको बेक करिएगा। अराउंड 15 to 20 मिनट्स लगते हैं इस पिज़्ज़ा को बेक होने में, और ये पिज़्ज़ा बेक होके आ गया है एंड इट इज़ स्मेलिंग सो डिलिशियस। आप ये पिज़्ज़ा एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हो, टेम्परेचर उसका भी हाईएस्ट रहेगा और क्वांटिटी ऑफ कोर्स कम रहेगी एयर फ्रायर की, क्योंकि इतने बड़ी क्वांटिटी में आप एयर फ्रायर में नहीं बेक कर सकते हो। और मैं अब इसको नीचे बोर्ड पे ले लूँगी पिज़्ज़ा को। चीज़ बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है, बेस भी बिल्कुल परफेक्टली बेक है, बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छा बेस भी बना है। और ये देखिए कितना अच्छा ब्रेड जैसा टेक्सचर बेस का आया है, और पीछे से भी ये बिल्कुल परफेक्टली बेक्ड है, एंड बिल्कुल भी बेस इसका सॉगी नहीं हुआ है, बट सॉफ्ट भी है और क्रिस्पी भी है। और मैं चली अपना पिज़्ज़ा खाने। इफ़ यू लाइक द रेसिपी डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बिलो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Do bake this pizza for yourself and for your kids. They will definitely enjoy this and relish the pizza. Thanks for watching, guys. Keep on watching and keep on supporting.